हमारे साथ प्रवीण है। प्रवीण जी, JNU से अगर आगे इतनी फीस की बढ़ोतरी हो गई है, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है और स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, और अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे किस तरीके से आगे का फ्यूचर आप अपने आप को देखते हैं? मेरा नाम प्रवीण भारती है और मैं JNU में रिसर्च कर रहा हूँ। अगर ये फीस लागू होती है तो एक तरीके से हमारा जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो हमारा दलित बहुजन SST OBC समुदाय है, एक तरह से उनके लिए सबसे बड़ा इधर मतलब एक तरीके से ड्रॉबैक होगा, क्योंकि फीस बढ़ जाने के कारण जो यहाँ पे जो दलित बहुजन छात्र पढ़ते हैं, लगभग 40-50% जो छात्र हैं दलित बहुजन छात्र हैं, तो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक होगा हमारी सोसाइटी के लोगों को होगा। जो वीकर सेक्शन से लोग आते हैं, मतलब जो दलित बहुजन समाज से आते हैं, उनके लिए एक तरीके से सबसे बड़ा जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं दलित बहुजन कम्युनिटी से आता हूँ, तो एक तरीके से हमारा जो पर मंथ का खर्चा होता है, जैसे मेस बिल मिला करके 5,000-6,000 हम लोग ऐसे लेकर के पे करते हैं, लेकिन अगर ये लागू होता है तो एक तरीके से हमारा जो फीस होगा एक तरीके से एक महीने का 8-10,000 रुपये ऐसा होने वाला है। और अगर पूरा मतलब एक्चुअल चार्ज और सब कुछ मिला के मतलब पूरा खर्चा मिलाया जाए, मतलब किताब कापी तुम सब कुछ देखने का, तो 15-20,000 का खर्चा हम लोग का आ रहा है। खर्चा कितना था और नया खर्चा कितना हो जाएगा, प्रवीण वो बताएं। हाँ, मैं बताना चाहूँ कि पहले मतलब जो हमारा रूम रेंट था वो पहले 10 रुपये था, अब उसको बढ़ा करके 300 रुपये किया गया डबल सीटर का, सिंगल सीटर का बढ़ा करके उसको 600 रुपये कर दिया गया है, जबकि जो एक्चुअल चार्जेस है, जो एक्चुअल चार्ज पर मंथ का बढ़ा करके 1700 लागू किया गया है, 1700 रुपये पर मंथ एक्चुअल चार्ज लागू किया है, जिसमें उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ेगी, मेस बिल देनी पड़ेगी, और मेस बिल के साथ साथ आपको जो है कि जो पानी का बिल है, मतलब वाटर बिल है, वो अलग से देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा 3000 का मतलब पर मंथ मेस बिल आता है। और मंथली टोटल कितना खर्चा होता था और आपका कितना खर्चा बढ़ जाएगा इस टैक्स के इसको को लगाने के बाद? मैं बता रहा था ना कि अभी जैसे हम लोग लगभग अपना खर्चा हम लोग 5-6,000 रुपये पे करते हैं, मतलब पर मंथ हम लोग ऐसे जाया करते हैं, लेकिन अगर ये फीस लागू होती है तो हमें पर मंथ लगभग 10,000 या 10-12,000 रुपये ऐसे हमको पे करना पड़ जाएगा, जो कि जो दलित बहुजन छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी होगा। कहाँ से आते हैं? मैं यूपी के आजमगढ़ जिले से हूँ। और फादर क्या करते हैं आपके? पापा हमारे टीचर हैं, पर मंथ का जो उनका इनकम है 20-25,000 रुपये है। जी, अगर ऐसा होता है तो पूरा तरीके से हम लोग का ये देखना पड़ सकता है। हमारे साथ प्रवीण थे जिन्होंने बताया कि वो यूपी से आते हैं और बहुजन समाज से आते हैं, अगर इनकी शिक्षाओं पे बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनका जीवन पूरा खत्म तरीके से हो सकता है। प्रवीण, धन्यवाद प्रवीण। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।